dear hint everyone iversa said welcome you to computer class today i will teach you chapter 2 computer ethics we all use computer to facilitate our work in fact the computer are so deeply penetrate in our society and business world that one cannot think of working without it furthermore the internet has revolutionized the way we work Now everything can be done at else while sitting at home using a computer and an internet connection. We can check our bank account, book our ticket purchase item, retrieve information and can do a lot more. हम सभी अपने वर्क को इजी बनाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जिस वजह से हमारा टाइम भी बहुत बचता है कंप्यूटर हमारे सोसाइटी और बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम इसके बिना कोई भी कार्य करने को सोच नहीं सकते इंटरनेट के हेल्प से हमारे वर्क करने के जो मेथड है बहुत ही इजी हो गए हम घर बैठे अपने अकाउंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं टिकट बुक कर सकते हैं आइटम परचेस कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं और कर सकते हैं एंड कैन टू अलॉट मोर यह स्टोरी एक की है कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ हम कर, करना और कोई अननोन पर्सन को नुकसान भी पहुंचा सकता है इसका यूज़ सॉफ्टवेयर की चोरी के लिए बौद्धिक संपदा की चोरी के लिए या फिर दूसरे के अकाउंट की इंफॉर्मेशन पासवर्ड चुराने या किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है इसलिए अ uh, कंप्यूटर में ऑल्सो भी मिस यूज दिस इज द एरिया ये एथिकल कंप्यूटिंग कम्स इन टू पिक्चर कंप्यूटर एथिक्स का प्रैक्टिस करने से साइबर क्राइम्स एंड रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है यह सब बातें हमें कंप्यूटर एथिक्स बताता है और उनको उनके रूल्स को कैसे फॉलो करना है यह भी हमें कौन बताता है कंप्यूटर एथिक्स कंप्यूटर एथिक्स कंप्यूटर एथिक्स हमें एक तरीके से व्यवहार करना सिखाता है एथिक्स के अकॉर्डिंग डील्स पर एक मूल्य रखने के साथ साथ बिहेव करते हैं चाहे वे अच्छे हों या पूरे यहाँ तक कि सोसाइटी अपने रूल्स भी रखता है इन रूल्स को फॉलो करने के लिए एक सोसाइटी ने आपस में मिलकर एक बियर एस्टैब्लिश की है की स्थापना की है एंड अक्सर का ये कानूनों में भी लिखा जाता है जब कंप्यूटर का यूज फर्स्ट टाइम एक बड़े पैमाने पर सोसाइटी में किया जाने लगता तो उनके यूज एंड रिलेटेड इशू कॉज सम प्रॉब्लम्स जैसा कि हमारे जीवन के हर पहलू पर कंप्यूटर एथिक्स की बातें हैं इन रूल्स को फॉलो करने के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल कानून बनाए करे गए हैं कंप्यूटर क्राइम्स एंड कंप्यूटर फ्रॉड अब कॉमन वर्ल्ड हो गए हैं हर कोई कंप्यूटर क्राइम और कंप्यूटर फ्रॉड के बारे में जानने के लिए जिम्मेदार है फॉर एग्जाम्पल कॉपी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिजिटल सामान कंप्यूटर एथिक्स के लिए बहुत ही इजी है यानी कि उसके डुप्लीकेट करना बहुत ही ईजी है हमें यह सोल्यूशन हमें यह सोल्यूशन देता है कि इट इज़ अ रोंग टू डू सो विदाउट द ऑथर एस अप्रूवल जबकि कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी व्यक्ति के जानकारी को किसी भी व्यक्ति की जानकारी को एक्सेस करना पॉसिबल है कंप्यूटर एथिक्स यह सोल्यूशन देता है कि एन एक्शन इज अनएथिकल सम ऑफ़ द मेजर एथिकल इशू इन कंप्यूटर्स वर्ल्ड नाउ डिज आर डिस्कस ब्लो कंप्यूटर की दुनिया में आजकल बहुत सी प्रमुख नैतिक मुद्दे हैं जो कि दिए गए हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर पायरेसी इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन थैंक यू फॉर वॉचिंग